caca. आज आप में से जो भी एक सच्चा मसीह है वह ये जानता होगा कि जो ज़िंदगी है ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि एक मसीह व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। आज अगर आप मसीह हैं तो परेशानी तो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि आप अगर एक सच्चे रास्ते का पीछा करते हैं तो याद रखिएगा कोई तो ज़रूर है जो आपसे चलता है, और वह नहीं चाहता कि आप अच्छे बने, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि वह जानता है कि आप जो कुछ खुदा के लिए सह रहे हो वो आसान नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रतिफल खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखा है, और शैतान अच्छे से ये बात जानता है कि उसका जो अंत है वो बहुत निकट है, तो वह कैसे शांत बैठेगा। फिर भी बाइबल में 1 कुरिन्थियों 10:13 इस प्रकार से कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, आप ये बात अब समझ गए होगी कि परीक्षाएं तो आएगी, लेकिन वचन इस प्रकार से बताते हैं कि आप और मैं कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर हो, क्योंकि जो परमेश्वर है वह सच्चा है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वो परीक्षा के साथ साथ हमें उससे निकलने का समाधान भी देता है कि हम उसे सह सकें। प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार से बताते हैं कि हम किसी बात में ठोकर का कारण नहीं बनते जिससे कि हमारी सेवा पर आ जाए, परंतु हर एक बात में परमेश्वर की योग्य सेवकों के सदस्य अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज हम धोखा देने वालों के सदस्य समझे जाते हैं फिर भी सच्चे हैं, अनजाने के सदस्य फिर भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के सदस्य फिर भी देखो हम जीवित हैं, ऐसों के सदस्य जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी हम सब कुछ रखते हैं। दोस्तों, भले ही आज आप और मैं बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, लेकिन याद रखिए आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। भले आज आपके आसपास के लोग बहुत आनंदित हो, लेकिन निराश ना होइए, बहुत जल्दी आपका जो शोक है वो आनंद में बदलने जा रहा है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आएगी और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, इससे सब प्रकार की बुराई से बचे रहे, क्योंकि वचन कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आज हम में जो भी सहते अकेले नहीं सहते, सबसे पहले खुदा उस दर्द से होकर गुजरते हैं, और याद रखिए परमेश्वर सच्चा है और वह दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, हमारी लड़ाई स्वयं परमेश्वर लड़ते हैं। आमीन। दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।